रहे हैं SW24 न्यूज। मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। फिर आज हम आपके सामने हमारा अनोखा कार्यक्रम पत्रकार वार्ता लेकर। आज की पत्रकार वार्ता में हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रमोद सिन्हा मौजूद है। प्रमोद सिन्हा जी से हम बात करेंगे जिले में रोजगार की स्थिति को लेकर। जिले में रोजगार को लेकर हमेशा मुद्दा बनता रहा है, लेकिन आज भी रोजगार की स्थिति उसी हाल में है जैसी आज से 20 साल पहले हुआ करती थी। सिन्हा जी, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खंडवा जिले में रोजगार की व्यवस्था पर। खंडवा जिले में कई बड़ी परियोजनाएं काम कर रही हैं, बावजूद इसके पिछले 20 सालों से लगातार एक ही मांग उठती आ रही है कि युवाओं में रोजगार की कमी। आपने शहर को, जिले को काफी करीब से देखा है, पत्रकारिता के माध्यम से देखा है। आपको क्या लगता है जिले में रोजगार की क्या स्थिति है आज के समय? देखिए, रोजगार की बात की है आपने तो, और स्थिति की बात की है तो मैं बता दूं कि आज से 20 साल पहले जो स्थिति है जी, उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई है। क्योंकि 20 साल पहले लोग एक सीमित संसाधनों में, सीमित परिवार की आर्थिक स्थिति में सर्वाइवल कर लेते थे, लेकिन इन 20 सालों में इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, समाज का डेवलपमेंट, उसके कारण खर्चे बढ़ गए हैं लेकिन आवक नहीं बढ़ी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरह से खर्चे बढ़ते हैं उसी अनुपात में आय बढ़नी चाहिए, और आय बढ़ाने के लिए जिले में, शहर में रोजगार के नए संसाधन, नए इंडस्ट्रीज, नए मार्केट, तमाम तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़े। अब क्यों नहीं बढ़े, इसके पीछे सबसे मूल कारण जो है वो हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, इच्छा शक्ति वाली बात। बिल्कुल, मैंने देखा है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं इनमें इतना मादा होना चाहिए कि हम हमारे क्षेत्र की, हमारे रीजन की, हमारे जिले की भौगोलिकता को देखते हुए ऐसे प्लान, ऐसी योजनाएं लाना चाहिए जो सुटेबल हो, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले। लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं हुआ। पहले का जो बात कर रहे हैं, तब तक खंडवा में दाल मिल, आयल मिल, सूत मिल, ये सारे काफी मात्रा में हुआ करते थे। धीरे धीरे सारी मिलें बंद हो गई, दाल मिल लगभग सारी अकोला पहुंच गई, महाराष्ट्र पहुंच गई, जलगांव पहुंच गई है। तो खंडवा में ऐसी क्या कमी रही है कि अच्छी खासी चलती हुई मिलें यहाँ से बंद हुई है और लोग बेरोजगार हुए हैं? देखो, एक तो क्या है, मध्य प्रदेश की शासन की कुछ मंडी के बारे में जो नीतियाँ हैं, अनाज खरीदी के बारे में जो नीतियाँ हैं, व्यापारियों को जो सुविधा देना चाहिए थी उसमें जो जो नीतियाँ हैं वो बड़ी बुरी हैं। अब आप देखिए कि आज से 20 साल पहले कम से कम 22 दाल मिल थी, आज से 2 बची हैं। सही। दाल मिल पूरी तरह डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। दाल मिल होंगी तो अपने रीजन में अरहर की पैदावार होगी, अरहर अब दाल मिल चलेगी तो अरहर की पैदावार कम होगी। इससे रिवर्स हम यदि देखें, जब किसान अरहर पैदा करता था, दाल मिल में लेकर आता था, प्रोसेसिंग होती थी, शासन ने उसके ऊपर मंडी टैक्स से लेके प्रोसेसिंग, तमाम तरह की टैक्सेस और ड्यूटीज लगा दी। अब ये ड्यूटीज इतनी ज्यादा हो गई हैं कि कंपैरेटिवली, चूंकि हम लोग मारन बॉर्डर पे हैं, वहां पर देखा जाए तो ये सारी ड्यूटी कम है। तो सारी दाल मिल जो है यहाँ से उठ के महाराष्ट्र, परतवाड़ा, अकोला, जलगांव के रीजन में पहुंच गई, माल यहीं से लेके जाते हैं। कपास को लेकर भी यही स्थिति निर्मित हुई है, शायद जिलिंग फैक्ट्री में अपने यहाँ से बहुत सारी बन रही है। बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र एक ऐसा सेंटर है, वहाँ पर वो अपने व्यापारियों को, अपने उद्योगपतियों को, दाल मिल एसोसिएशन को, कॉटन एसोसिएशन के व्यापारियों को सुविधाएं देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, ड्यूटी कम लगाते हैं, टैक्सेशन उनके कम है। और मध्य प्रदेश में सारे के सारा जो है वो मंडी, व्यापारी और इन लोगों के ऊपर लगा दिया जाता है। यदि 1% 2% भी बढ़ता है तो बड़े पैमाने पर ये लाखों करोड़ों अरबों रुपये में चला जाता है। तो व्यापारी ये सारी चीज़ देखते हुए भी यहाँ से, क्योंकि उसे तो बिजनेस करना है, चूँकि बड़ी बात दाल का मार्केट जो है, सप्लाई जो है वो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में भी, हम लोग बॉर्डर पे हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम महाराष्ट्र में ही जाके अपनी प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन चालू करें। जो लोग यहाँ से रहे हैं वहाँ पे बहुत सक्सेस भी रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं, क्योंकि एक तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, ड्यूटी कम लगी, टैक्स कम लगा, और उनकी उनका ट्रांसपोर्टेशन कम लगा, ट्रांसपोर्टेशन भी कम हुआ, तो 2 पैसा भी उनको फायदा मिलेगा। तो वहाँ किसानों को भी, जब वो खरीदी करते हैं, 2 पैसा किसानों को भी फायदा होता है, ये पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हरसुद का इंदिरा सागर बांध के कारण
हरसुद का विस्थापन हुआ जी। उस समय मुझे ध्यान है 48 लाख हेक्टेयर जमीन का फॉरेस्ट कट गया, 252 गांव पूरी तरह से उजड़ गए, अकेले हरसुद के 30,000 परिवार चले गए। इन लोगों के सामने जब स्थापन हो रहा था उस समय ये कहा गया था कि हम इस एरिया में इतनी इंडस्ट्रीज ला देंगे, बिजली प्रोडक्शन होगा तो हम बड़े बड़े यूनिट लाएंगे, तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा, जो स्थापित हो रहे हैं उन युवकों को भी रोजगार मिलेगा और प्राथमिकता के साथ मिलेगा। लेकिन न तो सरकार ने, अब चूंकि शासन तो सबके लिए काम करता है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने कभी ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाए। इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं खंडवा जिले में काम कर रही हैं, पहले ये कहा जाता था जब ये परियोजनाएं बन रही थी तो इसका विरोध हो रहा था, तब ये कहा था सरकार ने कि इतनी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर दूसरे रोजगार आएंगे, दूसरे उद्योग आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, वैसा होता कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब आज भी जो स्थानीय युवा है वो नौकरी के लिए परेशान हो रहा है, बहुत सारे लोग खंडवा से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, बड़ी परियोजनाएं चल रही है उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस सब के पीछे कोई कारण ऐसा आ रहा है कि तकनीकी विशेषज्ञता वाला कोई मामला आ रहा है जिसमें हम पीछे पड़ रहे हैं? जैसे इसके बाद भी ये कहा गया है कि बहुत सारे आईटीआई खंडवा जिले में खोले गए, शायद 4 या 5 आईटीआई खोले गए, लेकिन क्या वहाँ से भी लोग नहीं निकल रहे हैं? देखो लोग नहीं निकल रहे हैं बात नहीं, जितने भी कौशल विकास की संस्थाएं हैं जो टेक्निकल प्रोग्राम या कोर्सेज कराती हैं वहाँ से निकलने वाले आउटपुट को बाजार में काम चाहिए, मार्केट में काम चाहिए, ठीक है ना। और वो इनिशियली उनको जब स्टार्ट होता है तो 10-12 हज़ार रुपया तो एक एक बैचलर लड़के को सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सही। अब यदि वो पीथमपुर मंडीदीप या और कहीं जाएगा तो उसे काम नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो उसे उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे ही मार्केट से इंस्टीट्यूट से बच्चा बाहर निकलता है तो उसे अपने स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए आउटपुट तो निकल रहा है लेकिन उसका फील्ड पे डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ न तो कोई बड़ी इंडस्ट्रीज है, न कोई टेक्निकल संस्थाएं हैं, न कोई ऐसी स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज है जहाँ पर ऑटोमेशन के पैरेलल मैनुअल काम करने वालों की दक्षता की जरूरत हो। अब इसके पीछे सबसे बड़ी चीज फिर मैं आता हूँ नगर निगम पे या हमारे राजनीतिक नेताओं के ऊपर। अब आप देखिए आपने इंदौर को देखा होगा, पहले एक बाईपास बना, फिर एक रिंग रोड बना, फिर बड़ा बाईपास बना, तो एक शहर के सराउंडिंग जो सर्कल बनते हैं तो शहर का विस्तार जो है उस सर्कल के अंदर होता रहता है। आज से हम लोग देख रहे हैं 20-25 साल से मांग चली आ रही है कि रिंग रोड या बाईपास बन जाए, लेकिन न तो हमारे नेताओं में दम है नहीं हर चुनाव के मुद्दे में रहता। अब आप देखिए अगर आज से 20 साल पहले रिंग रोड बनता तो खंडवे का डेवलपमेंट उसे रिंग रोड के घेरे के अंदर तक चारों दिशाओं में होता। अब आप देखिए बाबा यार में 30,000 रुपए स्क्वायर फीट जगह की कीमत है, 30,000 रुपए स्क्वायर फीट तो इंदौर के विजयनगर एरिया में जाके आदमी खरीद ले या बॉम्बे के वसई में और दूसरी जगह उससे कम रेट पे मिल जाएगा, रिटर्न कुछ नहीं है। तो रिंग रोड बनेगा तो डेवलपमेंट वहां तक होगा, मार्केट वहां तक पहुंचेगा, हमारे यहाँ बॉम्बे विहार के अलावा वहाँ सिचुएशन हो गया तो लोग गलियों में शोरूम खोल रहे हैं, मतलब वहां से निकलना भी नहीं चाहते ना, स्थानीय व्यापारी भी नहीं निकलना चाहते। बीच में जब वहाँ पे कोशिश होती है कि वन वे किया जाए बॉम्बे बाजार को उधवारे को, तो इसका सब जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि विधानसभा तक बात पहुंची। तो ये ऐसा नहीं लगता है कि कुछ लोग अपने हाथ में सारी व्यवस्थाएं रखना चाहते हैं यहाँ पर, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि हमारा व्यापार फैले या दूसरे लोग और कमाए? देखिए ये यहाँ पर पॉलिटिकल विल की कमी है। मेरी सरकार आई तो मैं सोचूं कि रिंग रोड मेरे एरिया से निकल जाए या मेरी जमीन के आसपास से निकल जाए, आपकी सरकार बनी तो आप सोचो कि मेरे एरिया मेरी जमीन के आसपास से निकल जाए, इसी चक्कर में जो है 2 रुपए की कास्ट जो है 200 रुपए हो गई, पहले 20 करोड़ में काम हो रहा था 220 करोड़ में भी नहीं हो रहा है, तो पैसा आप और हमारे ही जा रहा है, ये नुकसान हुआ। दूसरा लोगों को डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट का मौका चूक है, लोग नए नए एरिया में आकर वहाँ अपना धंधा पानी या बिजनेस कुछ करते, एक्सपांशन करते, लोगों को रोजगार मिलता, सबसे प्रमुख कारण यही था लेकिन रोजगार नहीं मिला। अब आप देखिए वो एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है, ठीक है ना, मुश्किल 3 इंडस्ट्रीज है वहाँ पर अभी। हाँ, अब वहाँ पे शासन ने रेट इतने ज्यादा रखे हैं कि जो कास्ट आई है अभी तक उस अगर आप उसी समय आधा कर दिया होता
तो अभी तक जो कास्ट उसकी लगी 8 साल में तो वो निकल जाते हैं। 150 रुपए का। अब आप इंदौर रोड पे जब स्टार्ट हुआ था मुझे ध्यान में, हाँ 10 पैसे 20 पैसे और 50 पैसे तक, 2000 में 50 पैसे तक चीजें पलटी है वहाँ पे, है ना। अब आप यहाँ 150 रुपए रखोगे तो कौन लेगा उसको, और भी तो सारी सुविधा है। आप इतने इतना पैसा लगा दिया कुछ नहीं निकला उम्मीद, हाँ पेपर पे सब कुछ दिख रहा है कि हमने डेवलपमेंट कर दिया। एक बहुत बड़ी परियोजना खंडवा में पहले आने वाली थी, ये भी लगभग 20 साल पुरानी बात है। तेल शोषक कारखाना यहाँ पर आने वाला था जो बाद में भी ना गया, तो वो उसके अंदर भी ये माना गया कि खंडवा की राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर थी इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। अगर वो यहाँ पर वो तेल का कारखाना खुल जाता तो शायद खंडवा की सूरत कुछ और होती। आपको भी लगता है ऐसे? बिल्कुल सही बात है, ये अर्जुन सिंह जी के समय की बात है। बीमा जो बीना में जो रिफाइनरी खुली थी उसके लिए एक बीना और दूसरी लोकेशन ये, और ये लोकेशन खंडवा की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं में पॉलिटिकल विल कम था, उनमें ज़्यादा था वो अपने एरिया में ले गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी इंदिरा सागर बांध में इतना पानी है, आसपास इतनी ज़्यादा जमीन है, अगर शासन चाहे तो यहाँ पर दुनिया की अच्छी से अच्छी इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती है, बस राजनीतिक विल की जरूरत है। और अगर अब आप देखिए जितनी भी राख निकल रही है वो सब बाहर की सीमेंट फैक्ट्रिया के लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर करके ले जा रहे हैं, हाँ, है ना। लोकल लेवल पे कोई यदि लोकल पे ही अगर कोई सीमेंट कारखाना या इस तरह के कुछ डल जाए तो चूंकि राख जो है ये मेजर कंपोनेंट है सीमेंट का जी, उनको सिर्फ चूना पत्थर और जिप्सम यही ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, बाकी सारा यहाँ पे उनको तैयार होता है, ठीक है ना। तो जो अभी राखड़ का ट्रांसपोर्टेशन है उससे बेहतर ये होगा कि जिप्सम का ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ेगा यहाँ कर लिया है ना। लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, यहाँ के पॉलिटिकल नेता इनिशिएटिव ले तो कोई भी उद्योगपति जो है यहाँ डाल सकता है, उसको थोड़ा सा थोड़ी सी फैसिलिटी देने की जरूरत है। सही है, लेकिन वो कब होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। निमार टेक्सटाइल खंडवा की एक बहुत रीढ़ कहलाई जाती थी, खंडवा मतलब उसके नाम से मशहूर भी था, कॉटन बनाते थे ये लोग, दूसरा मानसिंह का आइल मिल। ये बंद होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ऐसा बूम कभी भी नजर नहीं आया, जैसे कुछ कुछ एक जरूर अभी यहाँ पर तेल आइल मिले काम कर रही है, लेकिन उनके अंदर भी ज्यादातर जो कर्मचारी हैं उनके वो बाहर के आ रहे हैं, तो ये ऐसा मतलब बाहर से आयात करने वाला कोई काम बंद नहीं हो सकता यहाँ पर। देखो क्या है, वो लोग स्किल होते हैं पहली चीज, और दूसरी चीज लोग एक मानसिकता ये बन गई है कि जो लोकल का मजदूर या लेबर होता है वो फ्रिक्वेंटली छुट्टी पे जाता है और जो बाहर का होता है वो साल 6 महीने में एक दो बार छुट्टी पे जाता है। तो हमारे यहाँ का जो व्यापारी है या जो एम्प्लॉय देने वाला जो संगठन होता है वो इन सारी चीजों को प्लस माइनस करके देखता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा कंपोनेंट है। हालांकि हमारे यहाँ लोगों को अगर नौकरी पे रखा जाए, रोजगार के लिए रखा जाए, तो वो भी ट्रेंड हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये मानसिकता ठीक नहीं है, बड़ा फैक्टर यही है बाकी। हाँ, और दूसरी चीज ये भी है कि एक सीमित लोगों की जरूरत रहती है, उतने में उनका काम हो जाता है, चूंकि सारी इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी तो नहीं है और ये सीजन के ऊपर डिपेंड करती है, आवक पर डिपेंड करती है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि सीजन और आवक को पर जो होगा तब हमारा काम हो जाए, जब सीजन और आवक नहीं होगी तो हमारा जो लेबर जो बाहर का है वो छुट्टी चला जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी छुट्टी भी हो गई हमारा काम भी हो गया। सही, इसलिए लोकल लोगों को काम पे रखने से ऊपर अच्छा। मैं जिसे बात कर रहे हैं खंडवा जिले में रोजगार को लेकर, आगे भी हम इसे चर्चा जारी रखेंगे, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बहुत खुशी की बात है कि हमारे शहर के अंदर हम लोग जिस तरीके से सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्नति कर रहे हैं या राजनीतिक परिवेश में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम हमारे देश का चौथा स्तंभ जो जिसे हम इस देश की आधारशिला बोल सकते हैं, वो भी हमारे शहर के अंदर अपनी उन्नति कर रही है। इसी उपलक्ष में मैं SW24 को बहुत सारी हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। हम लोग भी
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी और बढ़ रहे हैं, तो ये जो चैनल है इनके जो लोग भी इसको चलाने वाले लोग हैं उनको मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से ढेरों हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। धन्यवाद। SW24 चैनल खंडवा से भी शुरू हो रहा बड़ी हर्ष की बात है और मीडिया जगत का एक नया आयाम शुरू होगा। आशा की जाती है कि यह अपने समाचारों के माध्यम से जिले और इस क्षेत्र की जनता का यानी समाचारों नए नए समाचार देकर उन्हें पहुंचाएगा। और बड़ी खुशी की बात है कि विजयादशमी दशहरा का भी पर्व आ रहा है, इस उपलक्ष्य में सभी भाइयों को, सभी लोगों को, जिलेवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं तथा इस चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इस जिले में जो ये शुभारंभ हो रहा है इसका, ये इसके जिले के लोग लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा की जाती है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है जानकर कि खंडवा में एक और नया चैनल SW24 चालू होने जा रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अपार हर्ष की बात है। खंडवा में वैसे भी काफ़ी चैनल हैं लेकिन एक और चैनल की यहाँ पर आवश्यकता थी जो जनता से जुड़े हुए आम मुद्दे उठा सके, जिसमें आम पब्लिक भी, आम जनता भी अपनी बात खुले मन से रख सके और छोटी छोटी बातों को भी उसमें उठाया जा सके। मैं मेरी ओर से और मेरी संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से इस चैनल के प्रति शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उम्मीद रखता हूं कि सकारात्मक पत्रकारिता देखने को मिलेगी और जनता से जुड़े हुए मुद्दे समय समय पर उठाए जाते रहेंगे। मैं कमल नागपाल, प्रवक्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले मैं SW24 चैनल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो कि अभी खंडवा में प्रारंभ हुआ है। आपकी चैनल खंडवा, खंडवा के आसपास की सभी जानकारियों को, सभी सूचनाओं को तुरंत पहुंचाने का काम हम सब तक करेगी। एक बार पुनः आपकी टीम, पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही खंडवा वासियों को आने वाले त्यौहार दशहरा, दिवाली, इसकी बहुत शुभकामनाएँ। साथियों, दोस्तों, मित्रों, अभी COVID-19 का समय चल रहा है, अभी हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। हमें हमारा त्यौहार उतने ही उत्साह से मनाना है, साथ ही हमको सुरक्षा के प्रति भी जागरूक रहना है। हम जागरूक रहेंगे तो ही हम इस महामारी से निपट सकते हैं। कृपया आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की रखने का पूरा प्रयास करें और कोशिश करें कि हम इस महामारी से जल्द से मुक्त कर सकें और स्वच्छ रहें। खंडवा को स्वच्छ बनाने के अभियान में नगरपालिक निगम का भी साथ दें और हम सब अपने आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रखें। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ और एक बार पुनः SW24 चैनल को बहुत बहुत बधाई। स्वागत है इस कार्यक्रम पत्रकार वार्ता में। कई व्यापारियों से, कई उद्योगपतियों से हमने बात करी है इससे पहले। उनका ये कहना है कि खंडवा में जो उद्योग आने में जो दिक्कत आ रही है वो है रास्ते की। खंडवा इंदौर जो हाईवे है वो इतना आड़ा टेढ़ा और पहाड़ों से होकर गुजरता है कि यहाँ पे बड़े इंस्ट्रूमेंट आ नहीं पाते हैं। तो क्या इसे लेकर के भी, मतलब ऐसा आप भी मानते हैं कि ये एक कारण हो सकता है या बाधा है खंडवा में रोजगार को? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज हाउस या टाउनशिप जब डेवलप होती है जी, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन या यूँ कहेंगे लॉजिस्टिक एक बड़ा इशू रहता है, बड़ा फैक्टर होता है। माल बनाना आसान है, माल की डिलीवरी समय पर पहुंचना, समय पर उसको मार्केट तक टिकाना, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जी। और ये कास्ट को भी प्रभावित करता है, प्रोडक्शन को भी प्रभावित करता है, मार्केट को भी प्रभावित करता है और ये कंपटीशन में के मैटर पे भी एक बड़ा पैरामीटर होता है। अब आप देखिए पीथमपुर डेवलप क्यों हुआ, क्योंकि इंदौर से नज़दीक होने के कनेक्टिविटी, उसकी कनेक्टिविटी बॉम्बे से दिल्ली तक डायरेक्ट है
बिल्कुल, और स्मूथ है दोनों हाँ। चीजें हमारे यहाँ न तो डायरेक्ट है ना कनेक्टिविटी। हाँ सही बात है ना। अब खंडवा इंदौर की बात करें तो एक तो रोड की चौड़ाई सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वन वे यूं कहें उसको। उसके बाद जिगजैग है, बहुत ज्यादा पहाड़ भी है और खाइयां भी हैं और टाइम ज्यादा लगता है। बिल्कुल, यदि स्मूथ रोड होगा, मेजर रोड होगा, जैसे अभी फोर लेन की बात चल रही है, तो टाइम बचेगा। क्योंकि किसी भी चीज में टाइम और ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों चीजें जो है ये काउंट होती है कि हम हमारी सप्लाई चेन को कितना फास्ट और इजी बना सकते हैं। फोर लेन ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा जल्दी, मतलब स्वीकृत तो हो चुका है शायद ये। देखिए ये पेच में फोर लेन के जब भी काम चलते हैं तो पेच में चलते हैं, तो हो सकता है कि खंडवा इंदौर के बीच में कुछ पेच का काम शुरू कर दिया हो। हाँ हो जाए, हो जाए। अच्छा, लेकिन आप 130 किलोमीटर में मान लो दो या तीन पेच अगर होते हैं, दो पूरे हो गए और एक अधूरा रह गया है, तब भी आपको हडल तो पार करना पड़ेगा ना। टाइमिंग जो है वो तो वही रहेगा, ठीक है। इसमें भी अधिग्रहण वाला मामला सामने आएगा, मतलब बिल्कुल हाँ, पड़ सकता है। का अधिग्रहण शुरू हो गया है, कुछ को मुआवजा दे दिया है, वो प्रोसेस उनकी चल रही है अभी। मैं पिछले महीने मैंने जब पता लगाया था तो लगभग 50% लोगों को तो मुआवजा डिलीवर भी होना चालू हो गया। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि 3-4 साल में हो जाएगा। अगर 3-4 साल में मान लीजिए फोर लेन हो जाता है, और ये भी मान लीजिए कि खंडवा तक फोर लेन आ जाता है, तो वाकई इसका उद्योगों पर असर पड़ेगा, कुछ नए उद्योग आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम देखिए निमाड़ में मिर्ची, कपास और अब तो वेजिटेबल सब्जियां हैं, तीनों मामलों में हम लोग निमाड़ का क्षेत्र ग्रो कर रहा है, खासकर खरगोन और खंडवा। खंडवा ठीक है ना जी। हमारे यहाँ खाद्य प्रसंस्करण यूनिट नहीं है, बिल्कुल, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं, वो उसके लिए लोकल एरियाज में जो चीज होती है उसी के आधार पर प्रसंस्करण होता है और उसकी सप्लाई होती है। हमारे यहाँ तरबूज अच्छा होता है, अब तो सीताफल भी लगने लगा है, पपीता खूब होता है, इनकी प्रोसेसिंग तो लोग संतरे और मौसमी तक की खेती करने लगे अब तो अपने यहाँ पर। अब देखिए सीताफल का पल्प हमारे यहाँ नहीं बनता जी, लेकिन दूसरी जगह बनता है, जबकि सीताफल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, पपीता भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे दाल है, मूंगफली है, ज्वार हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती थी। खरगोन जिले में निमरानी में एक प्रोसेसिंग कंपनी बड़ी सी आई थी फूड पार्क करके वहां पर, तो हालांकि उसके अंदर भी हो ये रहा है कि एक दो ही कंपनी अभी उसमें काम कर रही है। इसी तरह का एक फूड पार्क की खंडवा में भी जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है। यहाँ पे तो मध्य प्रदेश सरकार ने जब पिछला जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमारा पूरा फोकस जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के पीछे ही है, और हम जगह जगह हर जिले में इस तरह की यूनिट डालेंगे। अब उसके बाद फिर काम कुछ आगे बढ़ा ही नहीं। एग्रीकल्चर बेस्ड अब तक जो भी यहाँ पर यूनिट्स आई हैं तो वो ज़्यादातर निजी सेक्टर की हैं। जैसे अगर हम ऑयल की बात करें, खंडवा ऑयल है, कृति सोया है, ये 2-3 कंपनियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं, और बाकी 2-3 कंपनी ऐसी हैं जो आटा बना रही हैं यहाँ पर, आटा और मैदा। इसके अलावा और कोई इंडस्ट्रीज नज़र नहीं आ रही हैं जिससे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। इसका भी कारण शायद प्रशासनिक लापरवाही या? बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले आपको बताया, एक तो हमारे यहाँ पर नेताओं का राजनीतिक व्हील, मतलब इच्छा शक्ति, पहली चीज किसी चीज के पीछे अगर लग जाए कि हमें सम्मिलित रूप से जो है यहाँ पे ये करना है, तभी वो संभव है, और इसके लिए शासन के पास कंटिन्यू प्रेशर बनाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, और आगे का डेवलपमेंट प्रोजेक्शन दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज करने के लिए नेताओं को सम्मिलित प्रयास करना होंगे। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक नेता अपने एरिया की बात करता है, दूसरा नेता अपने एरिया की बात करता है, तीसरा नेता अपने एरिया की बात करता है, और वो छोटे छोटे स्वार्थ में फंस जाते हैं, सम्मिलित प्रयास होते नहीं है। खंडवा में हमेशा ये देखा गया है कि खंडवा ब्रह्मपुर के मामले में औद्योगिक रूप से पिछड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिनिधि तो है, जितने भी सांसद हुए हैं वो ब्रह्मपुर से हुए हैं, एक ऐसी मान्यता है। मतलब हम किसी भी आरोप या दोषारोपण नहीं कर रहे हैं कि वो ब्रह्मपुर में ले गए या खंडवा में कम हुआ है, ये चीज भी इफेक्टिव है क्या यहाँ पर? बिल्कुल सही है ना, मैंने क्या बताया आपको, ब्रह्मपुर वाले, खरगोन वाले या खंडवा वाले, सारे नेता जो है अपने अपने लेवल की सोचते हैं, सोच ऊंची नहीं रखते। हाँ, जैसे भगवान राव मंडलोई सोचा करते थे, बिल्कुल, खंडवा को सोचा उन्होंने, पूरे मध्य प्रदेश को सोचा, सब जगह सोचते थे उन्होंने, सभी जगह काम करवाए, उनके काम आज भी दिखते हैं। आज वाले नेताओं के काम कल दिखेंगे या नहीं?
मुश्किल है, जब तक कि नेताओं में सम्मिलित सोच डेवलप नहीं होगी ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में था, पार्लियामेंट भी कवर करता था, शरद यादव खाद्य मंत्री थे जी, यूपी में जब आलू के भाव उस समय 1 रुपया और 1.5 रुपया हो गया था तो पूरे यूपी का किसान ने पूरी संसद को हिला दी थी, बिल्कुल हिला दिया था। गन्ने के भाव जब कम हो गए थे मिल मालिकों ने, अभी आप देखिए गन्ना मिल सारी समृद्ध हो गई हैं और अच्छा पैसा दे रही हैं यूपी में, बिल्कुल उस समय मैं बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले की बात, जब गन्ने के रेट लो हो गए थे तो सारे किसानों ने पूरे नेताओं की हालत खराब कर दी थी, सारे के सारे सवाल खड़े करते हैं वहाँ पर लोग, हाँ। सारे दलों के नेताओं ने मिलकर पार्लियामेंट में हंगामा किया था कि इन किसानों का कुछ कीजिए, और वाकई में आलू और उस समय जो है शुगर के फेंकने के भाव फेंकने की स्थिति में आ गए थे ये सारे। तो ये सारी चीजें जो है ना ये सम्मिलित प्रयासों से होती है, हमारे यहाँ सम्मिलित प्रयास ये स्थिति है तो हमारे यहाँ भी बार बार निर्मित होती है। जब टमाटर बहुत सारा आ जाता है तो टमाटर बाजार में 5 रुपए किलो में कोई खरीदने वाला नहीं होता है, प्याज जब बहुत सारी आ जाती है तो प्याज को फेंकना पड़ती है। तो अगर यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग कंपनीज अगर अच्छी सी आ जाए काम करने लग जाए तो किसानों को ये जो दिक्कत होती है कि ये सामान उनको फेंकना पड़ रहा है, इधर लोगों को रोजगार मिलेगा, इधर किसानों को उसका पैसा मिलेगा, तो मतलब कुल मिला के बात यही आ रही है कि जो निमाड़ है ये पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है और यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग कंपनी पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। एक चीज मैं आपको, आपने चूंकि टमाटर की बात निकाली तो एक अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, अभी देखो सरकार की लोगों तक किसानों तक अप्रोच में जो हर्डल्स हैं या ब्रेक है वो बता रहा हूँ आपको। लॉकडाउन में एक बहुत सारे किसानों ने टमाटर लगाया था और वो 2 रुपए 1 रुपए 50 पैसे किलो बेचने के बाद भी खेत में सड़ने को छोड़ दिया, सड़ने के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। धार के पास या खरगोन के पास एक किसान ने क्या किया, जब उसने टमाटर लगाया उसने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन बंद है, टमाटर सड़ रहा है, उसने सारे टमाटर को तुड़वा के सुखाया, काट के सुखाने के बाद उसका उसने पाउडर बना लिया, और पाउडर बनाने के बाद उस पाउडर को उसने मार्केट सर्च करके कुछ कंपनियों से अप्रोच किया जो ये बनाते हैं सॉस और ये उस सूखे हुए पाउडर को उन्होंने अच्छी कीमत पे सप्लाई खरीदा। उस किसान का ये कहना था कि मैंने जो सोचा था कि मेरा टमाटर 10 रुपए किलो बिकेगा थोक में, मुझे इस सुखाने से 12 रुपए किलो तक मेरा ये सूखा हुआ माल गया। उस किसान के अपने प्रयास में एक आइडिया था, अच्छा आइडिया था। सरकार ने इस तरह से ही लोगों को चीजें उपलब्ध करानी चाहिए हाँ, मार्केट भी उपलब्ध करवाना चाहिए। जैसे अभी अनाज की खरीदी चल रही है, अनाज की खरीदी में भी वही स्थिति आ रही है कि गोदामों में पड़ा अनाज सड़ रहा है, हर बार यही होता है। हालांकि ये पैसा जा रहा है सरकार के पास से, लेकिन अल्टीमेटली है तो जनता का ही। तो इस तरह और हम आपको कुछ और ऐसे मुद्दे लगते हैं कि मतलब खंडवा जिले में इन चीज़ों से रोजगार में बढ़ोतरी हो सकती है या सरकार को कोई और यहाँ पे कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, सबसे आने वाले समय में सबसे बड़ा सेक्टर यदि कोई उभर कर आएगा तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, आपको जापान के एक साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर भी कह सकते हो, उन्होंने कहा था रिवोल्यूशन जो आती है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई, औद्योगिक क्रांति, पूरा यूरोप उससे समृद्ध हुआ, सही, हम लोग बाद में बहुत बाद में मतलब उसमें, ठीक है ना, उसके बाद हरित क्रांति आई, हमारे यहाँ भी हरित क्रांति आई, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, फिर दूध क्रांति, व्हाइट क्रांति आई, ठीक है ना, उसके बाद 2000 में आईटी क्रांति आई। ये 50 साल पहले उस जापान के उस बुद्धिजीवी ने बता दिया था आईटी क्रांति आई। हमारे यहाँ का गांव का बच्चा अगर उसमें ज्ञान था, बुद्धिजीवी था, तो अमेरिका में काम कर रहा है। आईटी क्रांति के बाद अब जो है लाइफस्टाइल क्रांति आ रही है, लोगों की लाइफस्टाइल परिवर्तन में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगेगा, इन्वेस्ट और लाइफस्टाइल क्रांति के बाद के पैरेलल जो है हेल्थ क्रांति भी स्वास्थ्य को लेकर चल रही है, साथ में लोग खाने के मामले में चूजी हो जाएंगे, जागरूक हो ना, लोग ऑर्गेनिक, कोरोना ने इन सारी चीजों को ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग अपने किचन में अपने गमलों में चीजें डेवलप करने लगे हैं। तो आने वाला सेक्टर जो है ना वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, और इस एग्रीकल्चर में कॉपरेटिव एग्रीकल्चर
ज्यादा प्लेटफॉर्म तैयार होगा, मतलब क्या है कुछ लोग मिलकर प्लेटफॉर्म तैयार, जैसे रिलायंस ग्रीन और ये इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, जो है एक रिवोल्यूशन आएगा लोगों में। हो सकता है आप और हम भी एग्रीकल्चर की तरफ जो है वापस मुंह करें, क्योंकि अभी किसान क्या हो रहा है एग्रीकल्चर से दूर भागने लगा था, लेकिन अब किसानों के बेटे नौकरियां छोड़ के एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं। हाँ ये चीज ठीक है ना, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ सिंचाई की सुविधाएं सुधर जाए जी बढ़ जाए तो निश्चित ही आने वाले समय में हमारा ये जो रीजन है ये एग्रीकल्चर बेस्ड एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग का इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजना से हालांकि पूरे निमाण को पानी की तो बहुत सारी व्यवस्था हो ही गई है, बावजूद इसके मतलब उसका जो लाभ मिलना चाहिए था किसानों को और आम जन को या युवाओं को वो शायद नहीं मिल पाया है। इसके पीछे जो कारण है शायद ये है कि अव्यवस्थित तरीके से इसके लाइनें निकाली गई या नहरें छोड़ी गई, सबने अपने अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में ले गए, इसमें कुछ और सुधार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब इंदिरा सागर की जब नहरें निकल रही थी उस समय नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुभाष यादव जी थे, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, हम लोग भी कवर करते थे, हमने भी कई बार कहा, बोले नहीं ये इसका कंटूर ऊंचा है, लेवल ऊंचा है, वो डाउन में नहर का पानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स से जो है आगे जाता है, तो खरगोन बड़वानी धार और गुजरात तक नहरें चली गई, ठीक है ना। उस समय भी टेक्नोलॉजी किसी चीज को लिफ्ट करके लिफ्ट इरिगेशन या पानी देना मामूली बात, बहुत ज्यादा हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, शुरू से लोगों का दबाव बना, शिवराज सिंह गवर्नमेंट ने लिफ्ट इरिगेशन से इसको किया। तो ये सारा मैकेनिज्म तो जब नहर बन रही थी 2000 में उस समय ही डेवलप कर लिया जाता, सही बात, तो हमारा ये पूरा रीजन पूरा खंडवा जिला सिंचित हो सकता था, सिंचित हो सकता था, सही है भाई। जमीनी नर्मदा का जो लाभ इरिगेशन को क्लब करके काम चालू करना चाहिए, नर्मदा का जो लाभ जैसे होशंगाबाद जिले को मिला, हरदा जिले को मिला, खरगोन जिले को मिला, जितना लाभ उसका पानी का मिलना चाहिए था वो शायद खंडवा जिले को नहीं मिल पाया है। आज भी शायद जरूरत है कि इसके अंदर अगर सुधार किया जाए तो रोजगार के दूसरे अवसर भी यहाँ पर और बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ सकते हैं। देखो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, मैं नर्मदा घाटी के पानी का, चूंकि पानी पर तो सबका अधिकार है, नदियों के बहते हुए पानी पर, तो उसमें एक भारत सरकार का और नदियों के पानी के एसोसिएशन एक संस्था है, 2024 तक या 22 तक 6% पानी का यूज करना है मध्य प्रदेश, चाहे कितना ही कर ले 6% ज्यादा पानी का यूज वो नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में और एग्रीकल्चर में दोनों में आपको 2% पानी का भी यूज नहीं कर रहे हैं हम, बताइए ठीक है ना। और उस अथॉरिटी का 2024 के बाद वो अथॉरिटी फिर से उसको रिव्यू करेगी, हो सकता है कि उसके अंदर बढ़ जाए, शायद ये बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन अभी हमारे पास जो टारगेट है अभी हमारे पास 3.5-4% पानी, अगर हम उसका दोहन नहीं करेंगे तो संभव है कि घट सकता है, वो घट भी सकता बोलेंगे कि आपको तो जरूरत ही नहीं है इतने की, हमको जरूरत है ज्यादा, बिल्कुल ये हो सकता है। खंडवा के रोजगार को लेकर प्रमोद सिन्हा जी ने बहुत जरूरी जानकारियां हमें यहाँ पर दी है, भविष्य में ये सारी जानकारियां बहुत काम आएगी। प्रमोद सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।